हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं स्पेस टाइम्स। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैंने 5 फैक्ट्स और न्यूज़ बताई हैं। हर फैक्ट का टाइम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाके चेक करिए और जिस भी फैक्ट को आप पहले देखना चाहते हैं उस फैक्ट पे टाइम लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो लास्ट वाला फैक्ट मैंने बताया है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट वाला फैक्ट तो जरूर देखिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि गामा रे बर्स्ट इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि वो 10 सेकंड्स में इतनी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं जितना कि हमारा सन अपने पूरे 10 बिलियन ईयर्स के लाइफ स्पैन में नहीं कर सकता। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गामा रे बर्स्ट क्या होते हैं। दोस्तों, जो गामा रे बर्स्ट होते हैं वो तब जनरेट होते हैं जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स, दो ब्लैक होल या एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल आपस में टकराते हैं, या फिर हमारे सन से 5 से 10 गुना बड़ा स्टार में सुपरनोवा होता है। गामा रे बर्स्ट की एनर्जी का अंदाजा तो आप लोगों ने इस बात से लगा ही लिया होगा कि वो लोग 10 सेकंड में इतनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं जितना कि हमारा सन अपने 10 बिलियन ईयर्स के लाइफ स्पैन में नहीं कर सकता। लेकिन एक और बात आप लोग ये सुन लीजिए कि गामा रे बर्स्ट पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक लाइट्स होती हैं। नेपट्यून 23 सितंबर 1846 को डिस्कवर हुआ था, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि तब से अब तक नेपट्यून ने केवल एक ही रिवॉल्यूशन कम्प्लीट किया है सन के अराउंड, और उसने अपना फर्स्ट रिवॉल्यूशन 2011 में कंप्लीट किया था। आप ये देख सकते हैं कि उसकी ऑर्बिट इतना ज्यादा दूर तक एक्सपेंड हुई है, इसी की वजह से उसका ऑर्बिटल पीरियड 165 इयर्स का होता है। इन पिक्चर्स को देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे सन की पिक्चर्स हैं, और ये पिक्चर्स इतनी खास इसलिए हैं क्योंकि ये सोलर ऑर्बिटर के द्वारा ली गई हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि सोलर ऑर्बिटर वो सैटेलाइट है जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा 9 फरवरी 2020 को लॉन्च हुई, और वो सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाने वाली है। अब तक तो वो सन तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसके द्वारा ये सन की फर्स्ट पिक्चर्स रिलीज हुई हैं, और ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा 16 जुलाई 2020 को पब्लिक में रिलीज हुई थी। और तो और, ये अब तक की ली गई सन की सबसे क्लोजेस्ट पिक्चर्स हैं। आप लोगों को जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी सन के जैसे स्टार्स हैं उनमें से ज्यादातर स्टार्स मल्टीपल स्टार सिस्टम का हिस्सा हैं। मल्टीपल स्टार सिस्टम मतलब वो स्टार सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा स्टार्स हो। एग्जांपल के तौर पे हम लोग अल्फा सेंचुरी का एग्जांपल लेते हैं, हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार सिस्टम, उसमें भी 3 स्टार्स हैं, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और प्रोक्सिमा सेंचुरी। इस तरह से हमारे सन के जैसे 75 से 80% ऑफ द स्टार्स मल्टीपल स्टार सिस्टम का हिस्सा हैं, और जो बचे कुचे 20-25% स्टार्स हैं उनमें से एक हमारा सन भी है। इस पिक्चर में आप लोगों को जो स्टार दिख रहा है वो है सन, और ये जो छोटा सा डॉट है ये है अर्थ। हमारे सन में 1 मिलियन अर्थ समा सकते हैं। और अब ये पिक्चर देखिए, ये जो बड़ा सा स्टार है ये है वी वाई कैनिस मेजोरिस, अब तक का डिस्कवर्ड हमारी मिल्की वे में सबसे बड़ा स्टार। और ये जो छोटा वाला स्टार दिख रहा है ये हमारा सन है। आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा सन वी वाई कैनिस मेजोरिस से कितना ज्यादा छोटा है। और अब ये मिल्की वे गैलेक्सी की पिक्चर देखिए, वी वाई कैनिस मेजोरिस इसी मिल्की वे में कहीं पे है, लेकिन हम लोग बता नहीं सकते वो कहाँ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा छोटा है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बहुत ज्यादा बड़ी है तो अब इस पिक्चर को देखिए। इसमें जो बड़ी वाली एलिप्टिकल गैलेक्सी दिख रही है इसका नाम है IC 1101, और ये छोटा सा गैलेक्सी दिख रहा है ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। IC 1101 गैलेक्सी का डायमीटर 6 मिलियन लाइट ईयर्स है। कंपैरिजन के लिए आप मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर लीजिए जो केवल 100,000 लाइट ईयर्स का ही है। 100,000 लाइट ईयर्स और 6 मिलियन लाइट ईयर्स, और हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, ऐसी ही कितनी सारी गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में हैं। और ये सोचना कि इस यूनिवर्स में हमारे अलावा कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी बात होगी। जो लोग मुझसे सहमत हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं वो लोग कमेंट में लिखें #aliensexist, और साथ ही अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप अगर हमें कोई सलाह देना चाहते हैं वो भी कमेंट में दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हर संडे मैं ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल वीडियोस लेकर आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट संडे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।